तो दोस्तों क्या हाल चाल है यार, अब वापस आ चुके हैं एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। अब वीडियो चालू करने से पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत हार्ड शुभकामनाएं। दिल से तमन्ना ये है कि कल रात 31 दिसंबर 2019 तक जो बंदा नूब कहलाता था, इस 2020 वो प्रोएस्ट ऑफ प्रो बन जाए। जो बंदा डायमंड नहीं पहुँच पाता था, वो कॉन्करर फाड़ के निकल जाए। अब बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक यानी सेंसिटिविटी के गाइड के बारे में। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि आप अपने क्रॉस हेयर को कितनी जल्दी जल्दी मूव करा सकते हो। हमारे प्यारे पबजी मोबाइल में तरह तरह की सेंसिटिविटी है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये सेंसिटिविटी कहाँ और कैसे काम करती है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यूट्यूब पर भतेरी वीडियो है कि मैंने इसकी सेंसिटिविटी कॉपी कर ली और मेरा गेम प्ले प्रो बन गया, या फिर ये प्लेयर बहुत अच्छा है इसकी सेंसिटिविटी कॉपी कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ वो गलत है, क्या पता हो गया हो। क्या गारंटी है कि आप अगर वैसा करो तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो। क्या पता सामने वाला बंदा आईपैड पे खेल रहा हो और आप तो एंड्रॉयड पे खेल रहे हो, तो उसके पास इतनी बड़ी स्क्रीन होगी कि वो अपना हाथ पैर जहां मर्जी मार ले अपने आईपैड की इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन आपके पास है 5 या 5.5 या 6 इंच की स्क्रीन जिसके अंदर आपको पूरा कूदम काद करनी है। देखो, सेंसिटिविटी कॉपी और ना कॉपी करने में डिफरेंस ये है कि जो बंदा किस डिवाइस में खेल रहा है डिपेंड उस पर करता है, डिपेंड इस पर करता है कि खेल कौन रहा है। समझ रहे हो बात को? अब मान लो कोई बंदा आईपैड पे खेल रहा है तो उसके पास बहुत बड़ी स्क्रीन होगी, बहुत ज़्यादा एरिया वो देख पाएगा, मानता हूँ। लेकिन वहीं अगर वो किसी बंदे के ऊपर एम करेगा तो उसको अपना क्रॉस हेयर बहुत दूर और बहुत जल्दी भी मूव करना होगा। वहीं अगर आप एंड्रॉयड पे खेलते हो तो माना कि आपके पास छोटी स्क्रीन है, बट आप अपने एनिमी पे बहुत जल्दी एम कर सकते हो, है ना पॉइंट। मैं ये नहीं कह रहा कि आईपैड बेकार है और एंड्रॉयड अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा। चलो मैं तुमको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, मेरा ही एग्जाम्पल ले लो। मैं बहुत हाई सेंसिटिविटी पे खेलता हूँ, मैं बहुत पहले से शूटिंग गेम खेल रहा हूँ। अब इसकी वजह से मेरा रिफ्लेक्स बहुत तेज है और साथ ही साथ मेरा जो रिएक्शन टाइम है वो भी कम है, तो मेरी सेंसिटिविटी के स्क्रीनशॉट जो है तुमको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे वो आप देख लो। अब पबजी ने जो सेंसिटिविटी दी है, ठीक है, हाई पे, मैंने उसको भी कस्टमाइज करके बहुत ज़्यादा हाई कर रखी है। अब मान लो तुमने मेरी सेंसिटिविटी कॉपी कर ली तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप 4 से 5 दिन के अंदर इस सेंसिटिविटी को मास्टर कर लोगे, ठीक है, चलो मान लिया। लेकिन जो इस सेंसिटिविटी को चलाने के लिए जो रिफ्लेक्स और रिएक्शन टाइम चाहिए वो कहाँ से लाओगे भाई। अब इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से तुम्हारा जो गेम प्ले है पहले से और बेकार हो जाएगा। तो इसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन मैं अब बताऊंगा कि पबजी में जो इतनी सारी सेंसिटिविटी दी है उसका क्या काम है और कहाँ काम है, और साथ ही साथ ये बताऊँगा कि आप अपने हिसाब से अपनी बेस्ट सेंसिटिविटी कहाँ से ला सकते हैं। तो चलते हैं ट्रेनिंग मोड में। अब सेटिंग में जो सेंसिटिविटी के अंदर कैमरा थर्ड पर्सन नो स्कोप, जिसका यूज़ होता है नॉन एडीएस करके गोलियां चलाने के लिए, यानी कि कुल मिला के क्रॉस हेयर यूज़ करने के लिए। अब जिसको एडीएस और नॉन एडीएस के बारे में नहीं पता, मेरी पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। अब क्रॉस हेयर की सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, देखो क्रॉस हेयर की सेंसिटिविटी ऐसी कुछ होनी चाहिए कि मान लो आप सामने की तरफ स्प्रिंट कर रहे हो, अब पीछे से कोई एनिमी आपको फायर कर रहा है, आपको साउंड आता है कि पीछे आपका कोई एनिमी है, तो आपकी सेंसिटिविटी क्रॉस हेयर की इतनी होनी चाहिए कि आप एक स्वाइप के अंदर 180 डिग्री घूमकर उस एनिमी के ऊपर फायर कर सको। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 180 डिग्री घूमने के बाद आपका क्रॉस हेयर कहाँ पे प्लेस होगा, और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बाबू। अब बात करते हैं उसी के नीचे आने वाले स्कोप्स के बारे में। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरे गन पर 3x लगा रखा है और 3x की सेंसिटिविटी हाई कर देता हूँ, किस पे, कैमरा थर्ड पर्सन नो स्कोप पे, ठीक है। तो देखो ये तब के लिए है जब आप स्कोप ओपन करके एनिमी को फाइंड आउट कर रहे हैं, गोली नहीं चला रहे हैं, क्या गोली नहीं चला रहे हैं, याद रखना ये सेंसिटिविटी तब के लिए है जब आप गोली नहीं चला रहे हो। देखो ये सेंसिटिविटी जो है 3x की कैमरा सेटिंग पे मैंने 0% कर दिए, 0 तो नहीं, खैर 1% पे कर दिए, तो देखो मेरी स्क्रीन मूव ही नहीं होगी, ठीक है, मैं कितना भी इसको मूव कराने की कोशिश कर लूँ नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो देखो ये मूव हो रही है, कब, जब मैं फायर नहीं कर रहा हूँ,
और ऐसा ही कुछ बाकी स्कोप्स के साथ भी है। अब बात करते हैं ADS की सेंसिटिविटी के बारे में। ADS की सेंसिटिविटी में मान लो मैंने ये 3x लगा रखा है अपनी गन के ऊपर और ADS सेंसिटिविटी में जाके 3x को मैं कर देता हूँ 1%, तो देखो फायर करते टाइम मैं कितना भी इसको मूव कर लूँ नीचे की तरफ ये ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी सेंसिटिविटी काम नहीं कर रही है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम फायर कर रहे होते हैं तो हमारी ADS सेंसिटिविटी काम करने लग जाती है और जब हम फायर नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा कैमरा सेंसिटिविटी काम कर रहा होता है। अब मान लो मैंने 3x की सेंसिटिविटी ADS में बढ़ा दी तो देखो तब ऐसे फायर होता है, तब आपको कंट्रोल करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो टोटल कॉन्सेप्ट ये है कि गन की सेंसिटिविटी कैमरा और ADS दोनों के हिसाब से सेट करी जाती है। और भाई रही बात जायरो सेंसिटिविटी की, तो मैं बता दूं मैं जायरो प्लेयर नहीं हूं, मैं एक नॉन जायरो प्लेयर हूं, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। लेकिन हाँ खैर, अगर मेरे को फ्यूचर में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके ऊपर पक्की इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अब रही बात दूसरों की सेंसिटिविटी कॉपी करने की, तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप दूसरों की सेंसिटिविटी कॉपी करके अपना जो नेचुरल गेम प्ले है उसे भी ख़राब कर रहे हो। हाँ, अगर आप चाहते हो तो आप किसी एक ऐसे प्लेयर को देख लो जो बहुत अच्छी सेंसिटिविटी के साथ खेल रहा हो, या अपने ही जैसे किसी सेंसिटिविटी वाले प्लेयर को ढूंढो, उसकी सेंसिटिविटी कॉपी करो और उसको थोड़ा कस्टमाइज करके अपने जैसे कर लो। या फिर एक ही रास्ता बचा, ट्रेनिंग मोड पे जाओ, हर एक सेंसिटिविटी को चेकआउट करो और अपने लिए मनपसंद सेंसिटिविटी पिकअप कर लो। अब भाई मेहनत तो देखो खैर हर जगह करनी पड़ेगी, चाहे वो गेम हो चाहे रियल लाइफ हो। हाँ एक बात और, अगर आपको पता लगाना है कि कौन सी गन ज़्यादा बेटर है या गनों में कंपैरिजन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स कर दो, अगर रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Show me.